नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि यानी जेमिनी, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहे। हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि आपको जुलाई के महीने में कोई टेंशन ना लेनी पड़े। क्या हमारे कहने से ऐसा होगा? चलिए आप ग्रहों के हिसाब से देखते हैं कि ग्रहों के हिसाब से आपका ये महीना कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम कुछ चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय, कुछ धैर्य और कुछ अवेयरनेस, जब ये साथ जुड़ जाती है तो डेफिनेटली हम समय को कहीं ना कहीं बेटर बनाने का प्रयास कर सकते हैं और बेटर होता भी है। मिथुन राशि जो है काल पुरुष की कुंडली की तृतीय भाव की राशि होती है, थर्ड हाउस की, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है ये। हमारी मेहनत का भाव होता है, हमारे रिश्तों का भी, भाई बहनों का भी भाव होता है, कहीं कहीं यात्राओं का भी भाव होता है। लेकिन ये भाव कितना हमें सपोर्ट करेगा, चलिए सबसे पहले तो आपके लिए जो बात करते हैं वो शनि वक्रीय की बात करते हैं। क्योंकि शनि वक्रीय आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको हल्की सी गड़बड़ी कर सकता है। अब देखिए, ज़्यादा डरना नहीं होता। जब हम आपको कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, तो क्यों ना हम अपने खाने पीने के सिस्टम को बदल लें, क्यों ना हम टाइमली फूड खा लें या फिर एक्सेस फूड ना खाएं, कुछ भी अंट शंट ना खा लें। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशन हो गया ना। जब प्रिकॉशन लिया तो आप सेव रहे। तो कहने का मतलब है प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसन। करियर के हिसाब से देखते हैं तो आपने किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्टकट अपनाने का प्रयास नहीं करना है जुलाई के महीने में। देखिए, शॉर्टकट हमें लगता बहुत अच्छा है कि बड़ी जल्दी देखिए जी हमें बहुत कुछ मिल गया, आप तो पीछे रह गए, देखिए हम कहाँ पहुँच गए। लेकिन आपको ये मालूम है कि चार सीढ़ियाँ जब एक साथ इंसान चढ़ता है या उतरता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। चढ़ते समय हो सकता है आपकी शरीर में कहीं बल पड़ जाए या मोच आ जाए, उतरते समय हो सकता है आप गिर सके। तो यानी कहने का मतलब शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए। एक सिस्टम से जब आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होता है। संघर्ष तो जीवन में लिखा ही है हर किसी के, हर कोई संघर्ष कर रहा है। लेकिन किसी को बहुत कुछ जल्दी मिल जाता है और किसी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपका तृतीय भाव, आपकी राशि, आपका प्लेनेट यही कह रहा है कि आपने जुलाई के महीने में मेहनत थोड़ी सी बढ़ा देनी है। भले ही बाहर गर्मी है, उससे क्या हुआ, काम करने वाले तो ना गर्मी ना सर्दी का विचार करते हैं। तो आपने अपने सिस्टम में थोड़ा रह करके, दायरे में रह करके अपने कार्य में थोड़ी सी तेजी लाने का प्रयास करना है। धर्म कर्म के कार्य जब हम कभी भी करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारे कर्म सुधरते हैं। तो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी भी आपकी और आप करने का प्रयास भी करेंगे। और हो सकता है आपको थोड़ा सा धन भी लगाना पड़े, लेकिन ये समय आपके सुधार का समय है। यानी जुलाई में इस तरीके के अगर आप कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। सूर्य के बदलाव लगभग मिड में जा करके, जैसे 15 तारीख के बाद में, आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में हल्की से तनाव हो सकता है। छोटी बात एक दूसरे को चुभ सकती है, छोटी बात पर आप भिड़ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना भिड़ें, क्योंकि हम आपकी जिनकी राशि मिथुन है, सामने वाला आकर के आपसे टक्कर मारने का प्रयास कर रहा है तो आप पीछे हो जाइएगा, पीछे हो जाइए। ऐसा नहीं कि मार खा लीजिए, नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है आज आपसे लड़ने का। तो आपकी लड़ाई ये शांत हो सकती है क्योंकि सामने वाला प्रयास कर सकता है। प्रेम संबंधों की अगर हम बात कर सकते हैं तो वहाँ थोड़ा सा तनाव भरा माहौल रह सकता है। बेटर है कि सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ समय की दूरी हमेशा अच्छी होती है। एक हमेशा के लिए दूरी बन जाए या कुछ समय की दूरी, तो जुलाई के महीने में थोड़ा सा अगर के आप हल्की सी दूरी बना करके रहते हैं या अपने व्यस्तता दिखा देते हैं सामने वाले को, तो हो सकता है वो समय जो है वो टल जाए और आपका रिश्ता बेटर बना रहे। तो आपने थोड़ा सा अपने रिश्तों को बेटर बनाने का प्रयास करना है। काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं, आपको दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन दूर जाना आपके लिए फ्रूटफुल रह सकता है।
कोई अगर बिजनेस की डील करने के लिए आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बिजनेस की डील पक्की हो सकती है। अब रहती है बात की शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि घर का माहौल कहते हैं अच्छा होता है तो हम पूरा दिन ऑफिस में भी अच्छे रहते हैं, हम अपने वर्क स्थान पर भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि मन की शांति कहीं बाहर नहीं खरीदी जा सकती, वो तो घर से ही मिलती है। घर शांत तो आप शांत, आप शांत तो आपका वर्क अच्छा। तो इसीलिए घर के अंदर छोटी सी टकराव हो सकती है, हम यही कहेंगे कि आप शांति बना करके रखिए, आप धैर्य रखिए, ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े और टकराव ज़्यादा ना हो। अब हम भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य कितना साथ देगा। 58% आपका भाग्य जुलाई के महीने में साथ देने वाला है। रंग सफ़ेद, सूदिंग, क्योंकि गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ भी जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जुलाई के महीने में, ताकि आप शांत भी रहें और शांत रह करके आप अपने रिश्तों को भी बेटर बना सकें। उपाय करना चाहिए आपको एक छोटा सा, और पूरा महीने में अगर कि आप इस उपाय को कर लेते हैं, यकीन मानिए आपकी एनर्जी काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। किसी भी शनिवार, हो सके तो आप चार शनिवार भी कर सकते हैं, नहीं तो एक शनिवार तो मिनिमम आप इस उपाय को कीजिए। किसी भी शनिवार में एक पीपल का छोटा सा पौधा, चाहे गमले से ही लगा लीजिए, चाहे ज़मीन में लगा लीजिए, खुले मैदान में जा कर के एक छोटा सा पीपल का पौधा लगा दीजिए, और जब ये पौधा लगाएं तो कुछ दिन तक लगातार उसमें थोड़ा सा जल भी दीजिए, ताकि उसे पौधे को आप लग जाए ऐसी संभावना में देख सकें। और यकीन मानिए अगर वो पौधा लग गया तो आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त कर देगा, और अगर पौधा सूख गया तो आप एक और पौधा लगा दीजिएगा। आपके जीवन की जितनी रुकावटें, जितने हर्डल्स हैं, वो दूर हो सकते हैं, आपका जीवन अच्छा हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों को जुलाई का महीना कैसा रहेगा हमने बता दिया। अगली राशि होगी कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, बड़ी चंचल राशि है, तो अगली राशि का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।